हाय गाइस, वेलकम टू द मॉम एंड मंचकिन। आज की सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि हम अपने सराउंडिंग्स को, हम अपने घर को कैसे बैक्टीरिया और वायरस से फ्री रखते हैं और हम कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं। कोविड-19 को इंडिया में आए हुए 7 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं और हम सब इस पेंडेमिक से अपने अपने तरीके से फाइट कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन इज डैट कि क्या आज भी हम उतना ही अवेयर हैं, उतने ही प्रिकॉशंस ले रहे हैं जितना कि हम जब ये नया हमारे इंडिया में आया था तब ले रहे थे। आंसर इज नो। का एक सिंपल सा रीज़न है कि हम सब थक चुके हैं रोज के वही काम से, सैनिटाइज करना, हाथों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। बट गाइस, हमें थकना नहीं है, हमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना है, बल्कि जहाँ हम अब न्यू नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और जब मैं न्यूज़ देखती हूँ कोविड केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। हमें मास्क यूज़ करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, हाथों को बार बार धोना है और साथ ही अपने साथ एक ट्रस्टेड और इफ़ेक्टिव डिसइंफेक्टेंट कैरी करना है, चाहे हम घर पे हो या बाहर में। तो ये है हमारा मल्टीपर्पज़ और ट्रस्टेड सॉल्यूशन, डेटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। हम अपने घर में सालों से डेटॉल हैंड वॉश यूज़ करते आ रहे हैं, बट इस पेंडेमिक को देखते हुए हमने डेटॉल डिसइंफेक्टेंट को भी अपने हाइजीन किट में इंक्लूड किया है। डेटॉल, सेवलॉन, लाइफ बॉय, इन सब में से हमने डेटॉल को चूज़ किया क्योंकि डेटॉल के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर और ट्रस्टेड ब्रांड है। ये हर घर में डेटॉल यूज़ होता ही होता होगा, इसलिए मैं कंफ्यूज थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि सबको डेटॉल के बारे में पता ही होगा, सब ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे होंगे। फिर मैंने सोचा कि 10% लोगों को भी अगर इससे मदद मिले देन इट इज़ ग्रेट फीलिंग। डेटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे 99.9% वायरस एंड बैक्टीरिया को किल करता है। ये H1N1 जैसे वायरस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोविड-19 जैसे वायरसेस को भी किल करता है। अभी वेदर चेंज हो रहा है तो कोल्ड एंड फ्लू के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं, तो ये कोल्ड एंड फ्लू जैसे वायरसेस को भी किल करता है, वो भी विद इन 10 सेकेंड्स में। ये हार्ड एंड सॉफ्ट सर्फेसेस दोनों पे यूज होते हैं, लाइक सोफा, डोर हैंडल्स, नोब्स, बैग्स, कूरियर्स, टॉयज एटसेट्रा। मुझे ऐसी कोई जगह नहीं लगता जहाँ पे हम इसे यूज नहीं कर सकते हो। मैं जो यूज कर रही हूँ वो ओरिजिनल पाइन फ्लेवर है, इसका एक फ्लेवर और आता है वो आप चेक कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत लाइट होती है। मैं घर में हूँ या बाहर जा रही हूँ, मैं इस डिसइंफेक्टेंट को अपने साथ कैरी जरूर करती हूँ। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हम स्प्रे करने से पहले बॉटल को एक बार शेक कर लेते हैं और मैं स्प्रे करके 10 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। हमें इसे वाइप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम सोफ़ा या सोफ़ा कवर पे भी इसे स्प्रे कर देते हैं। मैं जब कभी भी लविशा को पार्क लेके जाती हूँ तो हम जिस बेंच पे बैठते हैं उस बेंच को भी मैं स्प्रे कर देती हूँ और लविशा जिस स्विंग को करती है मैं उस स्विंग को भी स्प्रे कर देती हूँ, ताकि वो आराम से स्विंग्स एंजॉय कर सके अलॉन्ग विद टेकिंग अदर प्रिकॉशंस। जब हम पार्क से वापस आते हैं या मार्केट से आते हैं तो हम जिस बैग को लेके जाते हैं उस बैग को भी स्प्रे कर देती हूँ, साथ ही मैं उसके टॉय को भी स्प्रे कर देती हूँ। हम हैंड सैनिटाइज करने के लिए एरियाज लारा दत्ता का इंस्टेंट एडवांस सैनिटाइजर स्प्रे विथ मॉइस्चराइजर एंड विटामिन ई यूज कर रहे हैं। ये हर तरह की स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत लाइट है, बहुत अच्छी है, तो हम इसे हैंड सैनिटाइज करने के लिए प्रेफर करते हैं। ये दोनों ही सैनिटाइजर स्प्रे आपको नियर बाय सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएंगे। अमेजॉन पे भी ये अवेलेबल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, इनकेस अगर आपको सुपरमार्केट से ना मिले तो आप अमेजॉन पे भी देख सकते हो। आई होप इस वीडियो से आप सबको मदद मिली होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।